मॉर्निंग टू ऑल उपासनाथ जी कल आप किते थे इंचिस, मैं कल थोन इंचिस बारे जानकारी दीती सी, ठीक है, कि इंच किस तरह के होंगे ने। अगर तुसी ये देख, मैं कल भी दस्या सी, आपां थोड़ी रिवीजन कर लैने आ कैमरे दे विच, तुसी देखो अच्छी तरह इंच, ठीक है, नाल सेंटीमीटर दी लाइन, जिथे सेंटीमीटर है आ वाला लाइन सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर लिखेंगे, और इसे दे नाल आ वाली इंच की लाइन है उपर वाली अपर लाइन, अपर लाइन इंच, सो दैट इतने इंच। हुण अज कल असीं कीता सी इंचा विच, अज असी करांगे सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर करांगे, ठीक है। सेंटीमीटर दी शॉर्ट फॉर्म है CM, ठीक है, जिस तरह इंच दी शॉर्ट फॉर्म होम सी इंच लिखते सी, इंच दी सी असी ऊपर दो लाइंस लगांदे सी, लेकिन सेंटीमीटर दी की है CM, अंडरस्टैंड, ओके। हुन अज असी मैं कल जिस तरह कह अपना जो सेंटीमीटर च करना है, मैम एक स्केल होर सी गा दे नाल कॉपी च होएगा, देखो, ठीक है। अज असी जे 1/6, देखो तुसी इत्थे 1/6 लिखिया होया, तुसी अपने स्केल निकाल लो, निकाल ले, यस यस मैम, स्केल दे विच वाली साइड ते देखो 1/6, अज असी 1/6 च लाइंस लगानियां सिखांगे कि किस तरह 1/6 च असी लाइन लगांदे आ। अगे अगे असी उस दे विच पहला असी करांगे ब्लैक बोर्ड दे उत्ते फुल स्केल दे विच ड्राफ्ट, आफ्टर दैट असी कॉपी च करांगे इस छोटे स्केल च ड्राफ्ट, ठीक है। अज असी सेंटीमीटर दे विच लाइंस लगावांगे, सेंटीमीटर दे विच देखो सेंटीमीटर ही लाइन है, तां असी आवरी नीचे वाली डाउन साइड जो लाइन है वह यूज करांगे, ठीक है। तुसी अगर इत्थे कर्व देना है या निशान लगाना है तो जिथों सेंटीमीटर वाली लाइन शुरू हुंदी है स्केल रख के उसनू सीधा कर सकते हो, निशान लगा सकते हो अपर साइड, ठीक है। लेकिन जिथे थोड़ी इंच शुरू होंगे ने उथे तो ही सेंटीमीटर की लाइन शुरू होंगी है, मैं लाइन लगाई है अपनी नॉलेज से, ठीक है। हुण असीं जे 1/6 स्केल करना है इथे लिखांगे स्केल 1/6, एना समझ आ गया? यस मैम। प्रिया मैम मैं असिस्ट कर रहे हैं, प्रिया मैम दस दिया करो बच्चों को समझ आ गया। हुण आपां 1/6 दे विच असी की करांगे, कल असी इंचां च लाइंस लईयां सी, अज असी 1/6 दे विच 13 सेंटीमीटर, कल असी 13 इंच लईयां सी, अज असी 13 सेंटीमीटर, इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर च लाइन ली है, ठीक है। उस तरह ही असी सेंटीमीटर च लाइन शो करन दा ढंग ओही है, पहले वाला ही है, असी एरो दे निशान लगावांगे, ये लाइन नूं इत्थे तक लिखांगे 13 सेंटीमीटर CM, पूरा सेंटीमीटर नहीं लिख पाउंदे तां असी उस नूं शॉर्ट फॉर्म CM कर दिंदे आ। हुण मैं 13 सेंटीमीटर लई है यह लाइन, इत्थे डॉट तो लेके इस डॉट तक 13 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है, क्योंकि आप 1/6 च कर रहे हैं। अगली लाइन असी लवांगे
30 सेंटीमीटर डबल करता उसे पॉइंट तो असी लेना है 30 सेंटीमीटर जिथे साडा आएगा असी उथे तक निशान लगा लांगे। ठीक है मेरे कहन दा भाव यह है इथे कि अगर चाहे लाइन सीधी इधर लवो या लाइन वर्टिकल लो विड्थ वाइज लवो जिथे लाइन जो लाइन लेनी है असी ओदा ओना ही लिखांगे। ठीक है हुण असी सेंटीमीटर च कर रहे हैं सो दैट असी सेंटीमीटर च लिखांगे। हुण इथे असी 30 सेंटीमीटर च लई सी लाइन। ठीक है जरूरी नहीं लंबाई रुकी है अगर थोड़ा स्केल दे विच तुसी तीरा लेना है जिस तरह असी तीरा लिया है मान लो कि असी विड्थ वाइज लाइन लगानी है असी इसी पॉइंट तो ही विड्थ वाइज लाइन लवांगे जिस तरह 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर लिया। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਲੰਬਾਈ ਰੁੱਖੀ ਲਾਈਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਗ ਜੈਗ ਲਾਈਨ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਗੋਲਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। मैं इत्थे क्यों लिखिया जो भी तुसी इन फ्यूचर कॉपी दे उत्ते कोई काम करदे हो कॉपी अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाती है तो असी उसनू देखिए खोल के देखते हैं क्योंकि कपड़ा तो सी के पा लैंदे आ आफ्टर सम टाइम कपड़ा रफ हो जाता असी उसनू फेंक देंदे आ लेकिन कॉपी साडी एक प्रॉपर्टी है जो कि असी फेंकते नहीं हाँ कदे भी इसनू उतार के असी कर लैंदे आ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਯੂ ਲਿਸਨ ਮੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਡੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 0 ਤੋਂ 1 0 ਤੋਂ 2 ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 1/6 ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇ 1/6 ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ठीक है हुन असी अगली लाइन लगाएंगे सारे बच्चे अपने कॉपी ते लाइन लगा रहे हैं लगाओ लाइंस फिर मैं अगली लाइंस बारे दसा मैंने शो करो प्लीज शो मी अपना बैक कैमरा करके शो करो मेरे मैडम अपना इधर रख दो मेरे को अपना तुसी उत्थे देख Please show me. Ah, yes. Good. Baki bhi show karo, please. Haan. Nahi, bachche show karde hain na, mainu dikhda hai. ओके गुड वेरी गुड बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक तानिया बिल्कुल ठीक पवन प्लीज शो मी हाँ यस उर्मल गुड पवन बिद गुड गगन गुड अमनप्रीत शो मी
मैम एक मिनट। गुड, बहुत अच्छे। हम आप अगे करांगे, ठीक है? एक बटा छे च ही करांगे, ठीक है? एक बटा छे च असी 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दी लाइन लगावांगे हुण लेंथ वाइज, ठीक है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है? नाल ही असी लिखांगे। अथे असी लिखांगे 40 सेंटीमीटर। मेरे को जगह घट पैगी, सो दैट मैं रब किया उ, ठीक कर लिया? शो करो मेनू। प्लीज शो मी। गुड, वेरी गुड, ठीक है? हुण असीं लगाई आ सीधी सीधी लाइन लाई, हुण असीं लगावांगे आडी लाइन, ठीक है? इस दे विच ही एक बटा छे दे विच ही असीं आडियां लाइन लगावांगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है? जिस तरह हुण असीं इत्थे लगानी है 15 सेंटीमीटर दी लाइन, ठीक है? ठीक, इथे मैं दे बराबर लाइन लगा के उथे शो करांगे कि यह लाइन 15 सेंटीमीटर है। नजर आ रहा है सब नो? कंप्यूटर इधर थोड़ा कर दो शेड, मैं दिखे, थोड़ा जहा टर्न करो। हाँ ठीक, ठीक है। हुण आपां ने इत्थे 15 सेंटीमीटर दी लाइन लगाई है, लेकिन जो असीं ड्राफ्टिंग देने आ ना करदे आ, उस फर्स्ट लाइन ते आपां नंबर लाने 0 तो 1, है ना? आफ्टर दैट लाने 0 तो 2, जिस तरह मैं उरे दस्या 0 तो 1, 0 तो 2, फिर जिस तरह लाइन चलदियां ने उसे तरह ही नंबरिंग चलदी है। बिना नंबरिंग तो जदों ड्राफ्टिंग करदे आ तां उह इक शक्ल तां बन जांदी है, लेकिन पता नहीं लगदा कि केड़ी किन्ना लिया है, क्योंकि असीं पैरलर ही ड्राफ्टिंग फाइल दे दूसरे साइड लाइनदार पेज है, जिस तरह मेरे राइट हैंड साइड है, ठीक है? राइट हैंड साइड है मेरे पेज, इत्थे असीं राइट डाउन करदे हां, ठीक है? जदों असीं राइट डाउन करदे हां तां सानूं उस दे बारे नॉलेज हो जांदी है कि असी जो असी बनाया है खाका, जो असी ड्राफ्ट बनाया है, ओह ड्राफ्ट ओना पूरा है, ओना वधिया है, इसलिए असी राइट साइड असी उसनु राइट डाउन करते हैं, ठीक है? ड्राफ्टिंग दे कुछ नियम है, रूल्स है, हर चीज दे कुछ ना कुछ नियम रूल्स होंदे ने, प्रिंसिपल्स ने, जिन्हां नु असी फॉलो करना होंदा है, ठीक है? हुण अगे असी लाइन लवांगे विड्थ वाइज, पच्ची सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इथे आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, ओके? दो डॉट लगा ले असी 25 सेंटीमीटर दे। असी किस च कर रहे हैं? 1/6 स्केल च, असी 1/6 लिखिया, असी 1/6 च ही कर रहे हैं हाले तक, असी चेंज नहीं किया स्केल हाले, ठीक है? हाँ जी मैम। 25 सेंटीमीटर, ठीक है? साड़ी ये लाइन इथे तो लेके इथे तक साड़ी लाइन लगी, ठीक? हाँ जी मैम। समझ आ गया? हाँ जी मैम। यस मैम जी। मैम तो लाइंस लगानी पड़ती है आड़ी, ठीक है? और एव जिस तरह करते हैं पट्टी करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल या और एव आगे ऐसे करते हैं ना लाइंस, ठीक है? मैं सब नु इंट्रो दित्ती सीगी कि असी मेजरमेंट दा किस तरह करते हैं, सब नु पहला लिखाया सीगा
मेयरमेंट टेप दे विच 60 इंच होंदे हन, मेयरमेंट टेप दे विच सेंटीमीटर, इहदा स्क्रीनशॉट ले सकदे हो तुसीं, 152 सेंटीमीटर। यह रिपीट है क्योंकि मैं पहला थानू यह करवा चुकी हाँ, ठीक है। एक इंच दे विच, एक इंच नू इस तरह शो किया जाता है, ठीक है। मैं पहला भी दसिया सी इंच नू दो स्टैम्स लगा के शो किया जाता है। एक इंच दे विच 2.5 सेंटीमीटर होंदे हन, एक इंच विच 8 पॉइंट होंदे हन। इंच नू शो करन दे लई इस तरह दो स्टैम्स होंदियां हन छोटी-छोटियां, ठीक है। फुट नू शो करन लई 1 स्टैम, अगर तुसी फुट शो कर दियो कि 5 फीट है तो 1 स्टैम होंदी है। सेंटीमीटर नू असी सीएम च शो करदे हां, ठीक है। कच्ची लाइनस नू असी डॉटेड लाइन लगांदे हां, ठीक है। कच्ची लाइन असी डॉटेड लाइन इस तरह करके लगांदे हां, ठीक है। या असी छोटा लाइन 1 2 3 डॉट, भी छोटी लाइन 1 2 3 डॉट, ये देखने च खूबसूरत लगती है लाइन। इसका मतलब यह होंदा है कि असी यह लाइन कच्ची है, सानू इहदा यूज नहीं है, सिर्फ हेल्प लई असी यह लाइन लगाईआं ने, इहनां नू कच्ची लाइन बोलदे आ, ठीक है। समझ आ गई? हाँ जी। अगर समझ आ जाती है तो थम्स अप दा निशान लगा दिया करो बेटा, साइन दे दिया करो। समझ नहीं आई? गुड गगन। हाँ मैम आ गई। रमन, अमन, तानिया, गुड। अमनप्रीत, रमनदीप, उर्मल, उर्मल ने नहीं के, उर्मल समझ नहीं आया बच्चे? मनप्रीत, उर्मल, जस्मीन समझ नहीं आया? आ गया मैम। सिया कुछ पूछना है बेटा? तुसी हैंड रेज किया है? मैम गलती से हो गया था। सिया कुछ पूछना है? ओके ठीक है, एथे तक क्लियर है थानू? यस मैम। एथे तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। ऐसे तरह ही कुछ लाइंस हैं साडे को जड़ी हॉरिजॉन्टल्स हैं। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਘੇਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੀਬਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਗੋਲਾਈ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਨਿੰਗ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਂਪ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨਲਸ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਯਾਨੀ ਓਰੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨ ਚ, ਫਿਰਕੀ ਚ ਧਾਗਾ ਭਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਤਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਿੰਪਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਗ ਜੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਜਿਗ ਜੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਟਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਗ ਜੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌਂਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ।
अगे है डैश डॉट लाइन एम्ब्रॉयडरी दे विच कांथा स्टिच आंदा है एम्ब्रॉयडरी दे विच कांथा स्टिच है जो तुसी डैश डॉट लाइंस तुसी इंप्रूव कर सकते हो ठीक है ऐसे तरह करना थानू अलग अलग तरह दी लाइंस बारे में आज थानू दसिया है ठीक है ता ए वाली एदे तुसी फ्लावर भी बना सकते हो कच्चा टांका है जिसनों अपा सादा कच्चा कहने हैं सादा कच्चा टाइप भी कर सकते हैं जदों असी किसी दे डिजाइन करना है लेकिन असी जो ड्राफ्टिंग करनी है डॉटेड लाइन असी ड्राफ्टिंग दे विच कच्ची लाइन इस्तेमाल करते हैं ठीक है समझ आ आया या नहीं हाँ जी मैम मैम फर्स्ट वाला वापस दिखा दो मैम स्क्रीनशॉट में मैम जी हेलो हाँ जी बोलो मैम फर्स्ट वाला वापस दिखा दो एक बार ओके मैम कहने फर्स्ट वाले के बाद दोबारा दिखा देंगे मैं दोबारा तो लाइन थानू शो कर रही है इंट्रो वाला शो करना है हाँ जी दिस वन हाँ जी मैम मैं इंट्रोडक्शन दिती सी मेजरमेंट टेप बारे मेजरमेंट टेप विच 60 इंच होंदे हैं तुसी अपना मेजरमेंट टेप निकालो जदों तुसी उस ते देखोगे 60 इंच दे निशान लगे होंगे हां जी मैम ठीक है मेजरमेंट दे दूसरे साइड तुसी उस नूं उल्टाओ दूसरी साइड उस दे उत्ते 152 सेंटीमीटर दे निशान होंगे हां जी मैम ठीक है हाँ जी मैम तुसी शो देखो मेजरमेंट टेप देखो ठीक है इधर कट गया है इत्थो ठीक है ठीक है दूसरे पासे सेंटीमीटर ऊपर इंचेस दी लाइंस है एदे विच इंची टेप दे नीचे सेंटीमीटर्स दी है ठीक है एक इंच विच 2.5 सेंटीमीटर होंदे हन एक इंच विच 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच ए है देखो 2.5 देखो इथे लाइन लगाओ 2.5 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच 8 पॉइंट होते हैं 8 पॉइंट यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਗਿਨੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ इंच का साइन इस तरह है सेंटीमीटर का साइन इस तरह है ओके हाँ जी मैम कच्ची लाइंस असी डॉटेड लाइंस इस्तेमाल करते हैं मैं पहला दसे है था ना डॉटेड लाइंस असी सिंपल इस तरह भी लगा सकते हैं डॉटेड लाइन और डॉटेड लाइन अगर डेकोरेट करके प्यारी प्यारी नजर आनी चाहिए तो ड्राफ्ट असी उसको इस तरह भी कर सकते हैं ठीक है हाँ जी मैम थोड़ी इच्छा से है एना समझ आ गया हाँ जी मैम गुड हम अगे आप करे सी हॉरिजॉन्टल्स लाइंस ठीक है आडिया लाइन ड्राफ्टिंग फाइल दे विच आडिया लाइन तीरे दी चौड़ाई मैं थानू दस्या सी छाती दी चौड़ाई घेरे दी चौड़ाई हिप दी चौड़ाई उत्थे हॉरिजॉन्टल लाइन आंदियां लेकिन ड्रेसअप दे विच असी हॉरिजॉन्टल लाइन नाल असी लैस रिबन वर्क हैंड वर्क कुछ भी असी करके असी अपना शर्ट या अपना क्योंकि असी डिजाइनर हाँ ड्रेस डिजाइनर सो दैट सानू इत्थे काम आन गया ठीक है लाइन्स फिर अगे असी वर्टिकल लाइन्स जो ड्रेस दे उत्ते दित्ती हुई है उत्ते असी लैस रिबन लगा के हैंड वर्क करके असी इस दे उत्ते एदे विच असी छोटे छोटे फ्लावर भी पा सकते हैं विच ना पाओ सेंटर दे विच एदे सेंटर दे विच तुसी कोई भी फ्लावर इस नू डेकोरेट कर सकते हो ठीक है थाना अच्छा लगेगा ठीक है वड्डा फ्लावर भी पा सकते बड़े फ्लावर फिर छोटे छोटे फ्लावर ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਸਟੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਪੀਰੀਅਲ ਸੀਗੇ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ठीक है, इहदे विच रिबन ते तुसी साइड ते कच्चा पा के फ्लावर बना बना के लगा सकते हो। कई तरह के डिजाइन तुसी अपने शर्ट्स के उत्ते बना सकते हो, अपनी फ्रॉक से बना सकते हो, अपने गाउनस से बना सकते हो। इस तरह के डिजाइन ये लाइनस ने, अलग अलग किस्म दी लाइनस, ठीक है। डायगनल्स इस शर्ट ते बनाया हैगा। ड्राफ्टिंग च किवें काम आंदी है, जदों असीं मोढे दी काट वगैरा पानी होवे, सानू सुविधा रखनी होवे, तां सानू इह डायगनल लाइनस काम आंदी है, ठीक है। डायगनल लाइनस शर्ट ते डिजाइनर ते किवें काम आंदियां ने, जिस तरह मैं थोनू थोड़ा जिहा सैंपल करके दस्सिया हैगा लाइनस लगा के, कि तुसीं डायगनल लाइनस लगा के इत्थे तुसीं लैस, रिबन, हैंडवर्क, समथिंग कुछ भी कर सकदे हो, ठीक है। तुसीं इत्थे डायगनल लाइन फ्लावर भी बना सकते हो, कुछ पेंट कर सकते हो, अलग अलग तरह के शो कर सकते हो, अपनी डिजाइन ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। अगे को जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन अजकल गोटा पत्ती का रिवाज है, तुसी गोटा बरीक बरीक या रिबन लगा के तुसी उसनु डेकोरेट कर सकते हो। तो सिंपल किया हो, इसनु होर भी खूबसूरत नाल कर सकते हो, तुसी इसनु इसके साइन इस तरह भी बना सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, कुछ भी इसनु डेकोरेट कर सकते हो। पोंचियां दे डिजाइन तुसी बना सकते हो, दुपट्टियां दे डिजाइन तुसी बना सकते हो, अलग अलग तरह के इस लाइन नु तुसी यूज कर सकते हो। फिर है डिश डॉट, डॉट लाइन सी है जिहड़ी कि असीं ड्राफ्टिंग च इस्तेमाल करते हाँ कच्चियां लाइना दे तौर ते, कि कच्चियां लाइन सानू चाहीदियां ने। कच्चियां लाइना दा असीं की करते हैं कि असीं उसनु बाद विच मटे देंदे हाँ, लेकिन कपड़े दे उत्ते असीं की करते हैं कि उसनों असी मटेंदे नहीं है, उसनों असी डिजाइन का रूप दे सकते हैं। जैसे कच्चा टांका, सादा कच्चा सब ने किया होया, तुसी कंट्रास्ट धागा लेके अपनी ड्रेस के उत्ते कच्ची डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह तुसी यह लाइनस बारे कर सकते हो। हुण तुहानूं अगर कुछ तुसी पुछना है तुसी मैनूं मेरे तो पुछ सकते हो। थैंक यू। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। सारे अपनी वीडियोस ऑन करो प्लीज। समझ आ गया सारे नु? हाँ जी मैम। समझ आ रही है सारे नु? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके डियर, थैंक यू सो मच।